जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और मेरे YouTube चैनल सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग। और अभी फिलहाल मैं सुबह सुबह नहा के आ गई हूँ और बहुत सारा कपड़ा खींची आज को, क्योंकि उधर से आई हूँ, बहुत सारा कपड़ा हो गया, तो सारा कपड़ा खींच के अभी मैं तैयार हूँ। अभी तैयार हुई नहीं पूरी तरह से, और पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ का मेरी सासू माँ का कहना है कि सिंदूर हमेशा मंदिर में ही रखना, तो इसीलिए मैंने मंदिर में ही रखा है। जल्दी से तैयार होके अभी कुछ नाश्ता बना के मैं निकलूंगी मंदिर की ओर। आज मैं फर्स्ट बार मंदिर जा रही हूँ अपने पतिदेव के साथ। और हाँ, सासू माँ जब देखी एकदम पूरा मेरा मांग भरा हुआ, तो मेरी सासू माँ क्या बोली, क्या एक बात है कि झारखंड और बिहार में वहाँ की जो औरत लोग रहती है पूरा मांग भर भर के सिंदूर पहनती है, ये अच्छी बात बोली कि अच्छी बात है। जब माँ भी आई थी तो बोली मैं भी ऐसे ही पहनती थी, और सही बात है। हमारे झारखंड और बिहार में, बंगाल में भी हर एक औरत मांग भर के एकदम सिंदूर पहनती है, मुझे अच्छा लगता है, सुने आयु बढ़ता है, पति है तो हमें। चलिए दोस्तों जल्दी से, मैं बाद में आधा तैयार होंगी, सबसे पहले तो मैं पोहा कुछ बना लेती हूँ। यहाँ के ये जो हमारे ससुराल वाले हैं इन्हें पोहा बहुत पसंद है, मुझे आती नहीं, अभी मम्मी सिखाएगी पोहा कैसे बनाएंगे। पहले पूजा कर लेती, मैंने पूजा ही नहीं किया, पूजा कर लेती। कैसे कर, क्या करना है, बस हल्दी को ऊपर ऐसे दिखा दे सब भगवान। अच्छी ऐसे ऐसे करके ये करेंगे ना, ऐसे करेंगे। हाँ, घूंघट ले लो ना मम्मी, घूंघट दे दीजिए ठीक है। हाँ। बस नंदी बना, वो पोला उधर हस्ती बना त्रिशूल, आरती दिखा दो। यही रख देना ना थाली। हाँ। इधर से मेरे पति देव जी पूजा करते हुए डेली का जो है एक घंटा से, अच्छी बात है, मैं भी इनके साथ साथ पूजा करने लगूंगी। अभी फिलहाल मुझे, मैं मंदिर ही जा रही हूँ। ये क्या है, ये विभूति है मंदिर की। अच्छा। और दोस्तों अभी मम्मी मुझे बोली कि जो हमारी लोहा है उसमें आप सिंदूर लगाए, और मैं नहीं लगाई थी, मैं लगा लेती। दोस्तों चलिए मंदिर, मैं भी फर्स्ट बार जा रही हूँ, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता कौन सा मंदिर है। आइए और दोस्तों इनकी स्कूटी 8 दिन से बंद पड़ी थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, चेंज कीजिए। स्टार्ट हो गया जी, मैं बैठ जाऊं क्या? फाइनली दोस्तों मंदिर आ गए हम लोग। इस मंदिर का क्या नाम है जी? संत धाम मंदिर। मेरे तो नहीं, क्यों आ रहे हो? ये मंदिर में कुत्ते, हाँ जी मत्ती में पाले हैं क्या मंदिर में? जन्म गई वो, लेकिन हम लोग वहाँ तो मंदिर में कुत्ता नहीं रखते। हाँ जी बंद कर दू गेट। हाँ चप्पल यहाँ खोल लो। हाँ
ये रहा फाइनली दोस्तों हमारा मंदिर। ये है राधा कृष्ण मंदिर। ये राधा कृष्ण मंदिर। राधे कृष्ण राधा कृष्ण। हाँ पल्लवी। ये हमारे गुरु जी। हमारे गुरु जी श्री राम मंदिर। ये शिवलिंग। शिव 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 तो दोस्तों ये रहा संत धाम की मंदिर और हम दोनों आए हैं एक साथ। मैं फर्स्ट बार ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो में मंदिर कभी गई ही नहीं हूँ क्योंकि घर ही में सब तुलसी मंदिर में ही हम लोग पूजा करते हैं। पापा हमेशा कहते थे कि घर में ही सब कुछ है, बस भगवान को मन से मांगो तो तुम्हारे पास है, कुछ भी मांगना है तो भगवान का ध्यान करो तो घर में ही मिलेगी। तो ये कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ वाले हैं मेरे पति देव जी। तो ये हमेशा आते हैं, सोमवार आते हैं, डेली आते हैं, सोमवार को आते हैं, ऐसे घर में पूजा करते हैं। तो आज मैं इनके साथ मंदिर भी आ गई और पूजा भी कर लिया, अब निकलते हैं घर की ओर। यहाँ पर जो दर्शन के लिए आते हैं वहाँ सिग्नेचर करते हैं ना क्या जी? हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ यहाँ पर रूल है, यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है, जो आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए वहाँ सिग्नेचर करते हैं। जैसे मैं बनाई हूँ माँ, इसका क्या नाम है? इसका नाम उपमा। उपमा, मैं आज पहली बार उपमा बनाई हूँ क्योंकि हम लोग तो सूजी बोलते हैं और उसको ज्यादातर चीनी डाल के उसका हलवा बनाते हैं। तो ये मैं उपमा बनाई हूँ, ये देखिए आज पहली बार नमक डाल के। चलिए खाते हैं, उधर ही साथ में, यही परोस लेते हैं। यही बैठ जाइए, बैठ जाइए। डालो ना दो तीन चम्मच। ये है दही का भूखा। देखिए तुरंत उपमा दिए, इनको फिर से उपमा देना पड़ा और फिर दिए। कितनी सब्जी? तो फर्स्ट बार में रोटी के साथ दही खा रही हूँ उपमा। ये देखिए ये इनका मम्मी बोली मट्ठी खाइएगा, दे दीजिए खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, मट्ठी खाइएगा आप।
ना वो चाय के साथ अच्छी लगती ना, हम लोग उसको निमकी बोलते हैं। निमकी चाय मत बनाइए। अरे मैं चाय पीती हूँ सवेरे, मैं चाय नहीं पीती। आप पिए नहीं ना थोड़ी देर? सवेरे चाय के साथ सेव निमकी जो होती है ना वो थोड़ा सा मतलब पीती हूँ सुबह। अब ना हम लोग पूजा करके आ गए, खाना हो गया तब क्या, गरम रोटी ओके, दो पूरी सब्जी ऑर्डर अच्छी बनी थोड़ी थोड़ी। अभी बोले थोड़ा सा ना, बहुत ज्यादा तेल खाते हो आप लोग, तेल इतना नहीं खाते। मम्मी को मैं बोली मत बनाइए, मम्मी बना रही रोटी, मैं बोली ना बना लूंगी। अरे अभी माँ बोली मैं बना लूंगी, तुमको तो आता है। हे दोस्तों, देखा आज का ब्लॉग मेरा, आई होप आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़, देखा मैंने छोटी छोटी चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की। और ये मेरा फर्स्ट पूजा था, माँ का कहना था, इनका भी कहना था कि मंदिर जाना चाहिए। क्या है ये पानी आपकी, इसमें मैं पीता हूँ आज से आगे, गिलास दूसरा कलर का। अरे ये इतने रहीस नहीं है, मैं बता दूँ ये अपने लिए लिया कि सेहत अच्छी रहती है ना, ये देखते ना क्या क्या निकल के है। तो दोस्तों वीडियो एंड करते हुए बैठ जाइए, थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलती रहेगी। तो दोस्तों आई होप आज हम लोग ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू आया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड। फिर सही बोली ना, जय महाराज।